हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी वीडियो चैनल में। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, थिंक स्ट्रेट, हिंदी बुक समरी। सूचना अधिभार के युग में सीधी सोच, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, थिंकिंग स्ट्रेट इन द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, डेनियल लेविटिन की एक पुस्तक ये बताती है कि मानव ने सभ्यता की शुरुआत से ही सूचना और संगठन का सामना कैसे किया है। यह इस बात की भी कहानी है कि कैसे समाज के सबसे सफल सदस्यों, सफल कलाकारों, एथलीटों और योद्धाओं से लेकर व्यावसायिक अधिकारियों और अत्यधिक प्रमाणित पेशेवरों तक ने अपने जीवन को व्यवस्थित करके अपनी रचनात्मकता और दक्षता को अधिकतम करना सीखा है, ताकि वे कम खर्च करें सांसारिक समय पर समय और जीवन में प्रेरणादायक, आरामदायक और पुरस्कृत चीजों पर अधिक समय। स्मृति दुर्बल है, चीजों को गलत ढंग से याद रखने से ज्यादा हमें ये भी नहीं पता कि हम उन्हें गलत ढंग से याद कर रहे हैं। पहले इंसान जिन्होंने लगभग 5000 साल पहले चीजों को लिखना सीखा था, वे मूल रूप से अपने हिप्पोकैम्पस की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जो मस्तिष्क की स्मृति प्रणाली का हिस्सा है। उन्होंने अपनी कुछ यादों को मिट्टी की पट्टियों और गुफाओं की दीवारों और बाद में पपीरस और चर्म पत्र पर संरक्षित करके मानव स्मृति की प्राकृतिक सीमाओं को प्रभावी ढंग से बढ़ाया। बाद में हमने अन्य तंत्र विकसित किए, जैसे कि कैलेंडर, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन, जो हमें लिखी गई जानकारी को व्यवस्थित और संग्रहित करने में मदद करते हैं। जब हमारा कंप्यूटर या स्मार्टफोन धीरे चलने लगता है, तो हम एक बड़ा मेमोरी कार्ड खरीद सकते हैं। वह स्मृति एक रूपक और भौतिक वास्तविकता दोनों है। हम उस प्रसंस्करण का एक बड़ा हिस्सा ऑफलोड कर रहे हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स सामान्य रूप से एक बाहरी डिवाइस पर करते हैं, जो तब हमारे मस्तिष्क का एक विस्तार, एक तंत्रिका बढ़ाने वाला बन जाता है। ये बाह्य स्मृति तंत्र आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं, या तो मस्तिष्क की अपनी संगठनात्मक प्रणाली का अनुसरण करना, या इसे फिर से आविष्कार करना, कभी कभी इसकी सीमाओं पर काबू पाना। ये जानना कि ऐसा क्या है जिससे हम इन प्रणालियों का उपयोग करने के तरीके को बेहतर बना सकते हैं, और इस प्रकार सूचना अधिभार से निपटने की हमारी क्षमता में सुधार हो सकता है। और एक बार जब स्मृति बाहरी हो गई, लिखित और संग्रहित, तो हमारी ध्यान प्रणाली किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त हो गई। लेकिन हमें इस सारी जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक जगह और एक प्रणाली की आवश्यकता है। अनुक्रमण की समस्या यह है कि आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर इस रिपोर्ट को कहां संग्रहित करते हैं, इसके बारे में कई संभावनाएं हैं। इसे पौधों के बारे में अन्य लेखों के साथ, या पारिवारिक इतिहास के बारे में लेखों के साथ, या खाना पकाने के बारे में लेखों के साथ, या कैसे करें के बारे में लेखों के साथ संग्रहित किया जा सकता है। दुश्मन को जहर देना, ये हमें मानव मस्तिष्क के दो पहलुओं से परिचित कराता है, जिन्हें उनका उचित अधिकार नहीं दिया गया है, समृद्धि और साहचर्य पहुँच। समृद्धि इस सिद्धांत को संदर्भित करती है कि बड़ी संख्या में चीजें जो आपने कभी सोचा या अनुभव किया है, वे अभी भी कहीं न कहीं मौजूद है। साहचर्य पहुंच का मतलब है कि आपके विचारों को अर्थपूर्ण या अवधारणात्मक संघों द्वारा कई अलग अलग तरीकों से एक्सेस किया जा सकता है, यादें संबंधित शब्दों से, श्रेणी के नामों से, गंध से, एक पुराने गीत या तस्वीर से, या यहां तक कि प्रतीत होता है कि यादृच्छिक तंत्रिका फायरिंग से शुरू हो सकती है। उन्हें चेतना तक लाओ, किसी भी मेमोरी तक पहुंचने में सक्षम होना, चाहे वह कहीं भी संग्रहित हो, कंप्यूटर वैज्ञानिक रैंडम एक्सेस कहते हैं। डीवीडी और हार्ड ड्राइव इस तरह से काम करते हैं, वीडियो टेप नहीं। आप डीवीडी या हार्ड ड्राइव पर मूवी में किसी भी स्थान पर इंगित करके जा सकते हैं, लेकिन किसी वीडियो टेप में किसी विशेष बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको पहले प्रत्येक पिछले बिंदु अनुक्रमिक पहुंच से गुजरना होगा। अनेक संकेतों से हमारी स्मृति तक बेतरतीब ढंग से पहुंचने की हमारी क्षमता विशेष रूप से शक्तिशाली है। कंप्यूटर वैज्ञानिक इसे रिलेशनल मेमोरी कहते हैं। आपने रिलेशनल डेटाबेस के बारे में सुना होगा, प्रभावी रूप से यही मानव स्मृति है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रिलेशनल मेमोरी होने का मतलब है कि अगर मैं आपको फायर ट्रक के बारे में सोचना चाहता हूँ, तो मैं कई अलग अलग तरीकों से मेमोरी को प्रेरित कर सकता हूँ। मैं एक सायरन की आवाज निकाल सकता हूँ, या आपको एक मौखिक विवरण दे सकता हूँ, एक बड़ा लाल ट्रक जिसके किनारे पर सीढ़ियां हैं, जो आमतौर पर एक विशेष प्रकार की आपात स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। हम वस्तुओं को प्रतीत होता है कि अनंत तरीकों से वर्गीकृत करते हैं। उनमें से प्रत्येक तरीके का तंत्रिका नोड के लिए अपना मार्ग है, जो आपके मस्तिष्क में अग्नि ट्रक का प्रतिनिधित्व करता है। एक नजर डालें कि हम फायर ट्रक के बारे में कैसे सोच सकते हैं। दमकल, एक स्मृति या संगति के बारे में सोचने से और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ये ताकत और कमजोरी दोनों हो सकती है। यदि आप किसी विशेष मेमोरी को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सक्रियता की बाढ़ विभिन्न नोड्स के बीच प्रतिस्पर्धा का कारण बन सकती है,
जिससे आप चेतना तक पहुंचने की कोशिश कर रहे तंत्रिका नोड्स के ट्रैफिक जाम में पड़ जाते हैं और अंत में आपके पास कुछ नहीं बचता। हमारे जीवन को व्यवस्थित करना। प्राचीन यूनानियों ने स्मृति महलों और स्मृति में सुधार के लिए लोकी की विधि का आविष्कार किया था। मिस्रवासी जानकारी को बाहरी रूप देने में विशेषज्ञ बन गए और संभवतः ज्ञान के सबसे बड़े प्री गूगल भंडार लाइब्रेरी का आविष्कार किया। हम नहीं जानते कि बौद्धिक गतिविधि के ये एक साथ विस्फोट क्यों हुए। जब ऐसा हुआ, शायद दैनिक मानव अनुभव ने जटिलता के एक निश्चित स्तर को छू लिया था। लेकिन मानव को अपने जीवन, अपने पर्यावरण, यहाँ तक कि अपने विचारों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता प्रबल बनी हुई है। यह आवश्यकता केवल सीखी हुई नहीं है, यह एक जैविक अनिवार्यता है। जानवर अपने वातावरण को सहज रूप से व्यवस्थित करते हैं, लेकिन दिमाग के बारे में अजीब बात यह है कि यह अपने आप चीजों को उस तरह से व्यवस्थित नहीं करता जैसा आप चाहते हैं। ये काफी हद तक एक अचेतन प्रक्रिया है। ये पूर्व कॉन्फिगर किया हुआ आता है और यद्यपि इसमें अत्यधिक लचीलापन है, यह एक ऐसी प्रणाली पर बनाया गया है जो आज की तुलना में विभिन्न प्रकार और विभिन्न मात्रा में जानकारी से निपटने के लिए सैकड़ों हजारों वर्षों में विकसित हुई है। अधिक विशिष्ट होने के लिए, मस्तिष्क उस तरह से व्यवस्थित नहीं है जिस तरह से आप अपने गृह कार्यालय या बाथरूम दवा कैबिनेट को स्थापित कर सकते हैं। आप चीजों को अपनी इच्छानुसार कहीं भी नहीं रख सकते। मस्तिष्क की विकसित संरचना अव्यवस्थित और असंबद्ध है और इसमें कई प्रणालियां शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक दिमाग है, ऐसा कहा जा सकता है। विकास चीजों को डिजाइन नहीं करता है और यह सिस्टम का निर्माण नहीं करता है, यह उन सिस्टमों पर आधारित है जो ऐतिहासिक रूप से जीवित रहने का लाभ देते हैं, और यदि कोई बेहतर तरीका आता है तो यह उसे अपनाएगा। सिस्टम में कोई व्यापक भव्य योजनाकार इंजीनियरिंग नहीं है ताकि वे एक साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करें। मस्तिष्क एक बड़े पुराने घर की तरह है जिसमें हर मंजिल पर टुकड़ों में मरम्मत की गई है और नए निर्माण की तरह नहीं। तो इसे एक सादृश्य के रूप में समझें। आपके पास एक पुराना घर है और सब कुछ थोड़ा पुराना है, लेकिन आप संतुष्ट हैं। आप विशेष रूप से गर्म गर्मी के दौरान एक कमरे में एयर कंडीशनर जोड़ते हैं। कुछ साल बाद जब आपके पास अधिक पैसा हो जाता है तो आप एक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जोड़ने का निर्णय लेते हैं, लेकिन आप शयन कक्ष में उस कक्ष इकाई को नहीं हटाते। आप ऐसा क्यों करेंगे? ये काम आ सकता है और यह पहले से ही वहां मौजूद है, दीवार से चिपक गया है। फिर कुछ साल बाद आपके सामने एक भयावह प्लंबिंग समस्या आ जाती है, दीवारों में पाइप फट जाते हैं। प्लंबरों को दीवारों को तोड़ने और नए पाइप चलाने की जरूरत है, लेकिन आपका केंद्रीय एयर कंडीशनिंग सिस्टम अब रास्ते में है जहां उनके कुछ पाइप आदर्श रूप से जाएंगे, इसलिए वे अटारी के माध्यम से काफी दूर तक पाइप चलाते हैं। ये तब तक ठीक काम करता है जब तक कि एक विशेष रूप से ठंडी सर्दी न हो जाए, जब आपकी बिना इंसुलेटेड अटारी के कारण आपके पाइप जम जाते हैं। यदि आपने इन्हें दीवारों के माध्यम से चलाया होता तो ये पाइप जमे नहीं होते, जो आप सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के कारण नहीं कर सकते थे। यदि आपने शुरू से ही यह सब योजना बनाई होती तो आप चीजों को अलग तरीके से करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने एक समय में एक ही चीज जोड़ी जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ी। या आप शर्लक होम्स की स्मृति अटारी की उपमा का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि होम्स वॉटसन से कहता है, मेरा मानना है कि एक आदमी का मस्तिष्क मूल रूप से एक छोटी सी खाली अटारी की तरह होता है और आपको इसे अपनी पसंद के अनुसार फर्नीचर के साथ स्टॉक करना होगा। लेविटन का तर्क है कि हमें सीखना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क जानकारी को कैसे व्यवस्थित करता है ताकि हम उसके खिलाफ लड़ने के बजाय जो कुछ भी है उसका उपयोग कर सके। हम इसे मुख्य रूप से इनकोडिंग और पुनर्प्राप्ति की प्रमुख प्रक्रियाओं के माध्यम से करते हैं। हमारा दिमाग विभिन्न प्रणालियों के एक समूह के रूप में बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक विशेष अनुकूली समस्या को हल करता है। कभी कभी वे एक साथ काम करते हैं, कभी कभी उनमें टकराव होता है और कभी कभी वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। दो प्रमुख तरीके जिनसे हम प्रक्रिया को नियंत्रित और सुधार सकते हैं वे हैं हमारी मेमोरी में जानकारी दर्ज करने के तरीके पर विशेष ध्यान देना, इनकोडिंग, और जिस तरह से हम इसे बाहर निकालते हैं, पुनर्प्राप्ति। हम पहले से कहीं अधिक व्यस्त हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह जानकारी की अधिकता है, क्योंकि यह मौजूद क्यों नहीं है, इसके तर्क मौजूद हैं। हमारी आंतरिक कार्य सूची कभी संतुष्ट नहीं होती। हम ज्ञान या यहाँ तक कि जानकारी के रूप में प्रचंड चीजों से अभिभूत हैं और हमें बकवास को सुझाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेविटन का तात्पर्य है कि इस दृष्टिकोण का एक परिणाम यह है कि हम चीजें खो रहे हैं। हमारी चाबियां, हमारे ड्राइवर का लाइसेंस, हमारा आईफोन, और ये सिर्फ भौतिक चीजें नहीं है। हम वे चीजें भी भूल जाते हैं जो हमें याद रखनी चाहिए थी, जैसे महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि हमारे ईमेल या वेबसाइट का पासवर्ड,
हमारे कैश कार्ड का पिन हमारी चाबियां खोने के बराबर संज्ञानात्मक। ये महत्वपूर्ण है और इन्हें बदलना कठिन है। हमारी सामान्य स्मृति विफलताएं नहीं होती हैं। हमारे पास एक या दो चीजों के लिए विशिष्ट अस्थायी मेमोरी विफलताएं हैं। उन उन्मत्त कुछ मिनटों के दौरान जब आप अपनी खोई हुई चाबियां खोज रहे होते हैं, तब भी आपको संभवतः अपना नाम और पता, आपका टेलीविजन सेट कहाँ है और आपने नाश्ते में क्या खाया था, ये बस एक स्मृति है जो बुरी तरह से खो गई है। इस बात के प्रमाण है कि कुछ चीजें आमतौर पर दूसरों की तुलना में कहीं अधिक बार खो जाती हैं। हम अपनी कार की चाबियां खो देते हैं, लेकिन अपनी कार नहीं। हम अपने बटुए या सेल फोन को अपने डेस्क पर स्टेपलर या रसोई में सूप के चम्मच की तुलना में अधिक बार खो देते हैं। पैंट की तुलना में कोट, स्वेटर और जूतों का ध्यान अक्सर खो जाता है। ये समझना कि मस्तिष्क की ध्यान और स्मृति प्रणालियां कैसे परस्पर क्रिया करती है, स्मृति चूक को कम करने में काफी मदद कर सकती है। हम किस प्रकार की चीजें खो देते हैं और जिन्हें हम नहीं खोते, इसके बारे में ये सरल तथ्य हमें बहुत कुछ बता सकते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और बहुत कुछ इस बारे में भी कि चीजें गलत क्यों होती है। इसके काम करने का तरीका आकर्षक है। लेविटन एक ऐसे विषय पर भी बात करते हैं जिसमें लंबे समय से मेरी रुचि रही है। वह लिखते हैं, कंपनियां विस्तारित मस्तिष्क की तरह हैं, जिनमें व्यक्तिगत कर्मचारी न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। कंपनियां सामान्य लक्ष्यों के लिए एकजुट व्यक्तियों का समूह होती है, जिनमें प्रत्येक कर्मचारी एक विशेष कार्य करता है। वितरित प्रसंस्करण के कारण व्यवसाय आमतौर पर रोजमर्रा के कार्यों में व्यक्तियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। एक बड़े व्यवसाय में समय पर बिलों का भुगतान करने के लिए एक विभाग होता है, देय खाते, और दूसरा चाबियों, भौतिक संयंत्र या सुरक्षा का ट्रैक रखने के लिए। यद्यपि व्यक्तिगत कर्मचारी त्रुटिपूर्ण होते हैं, प्रणालियां और अतिरिक्त आमतौर पर मौजूद होते हैं या होने चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी एक व्यक्ति की क्षणिक व्याकुलता या संगठन की कमी के कारण सब कुछ रुक न जाए। बेशक व्यावसायिक संगठन हमेशा पूरी तरह से संगठित नहीं होते हैं और कभी कभी उन्हीं संज्ञानात्मक अवरोधों के माध्यम से जो हमें अपनी कार की चाबियां खो देते हैं, व्यवसाय भी चीजें खो देते हैं। लाभ, ग्राहक, बाजार में प्रतिस्पर्धी स्थिति, आज की दुनिया में टिके रहना कठिन है। हमारे पास पिन नंबर, फोन नंबर, ईमेल पते, कई कार्य सूचियां, नजर रखने के लिए छोटी भौतिक वस्तुएं, बच्चों को लेने के लिए, पढ़ने के लिए किताबें, देखने के लिए वीडियो, ब्राउज करने के लिए लगभग अनंत वेबसाइटें आदि हैं। हालांकि हम में से अधिकांश लोग अभी भी इस ज्ञान को व्यवस्थित करने और बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर उन प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें कम सूचनात्मक समय में स्थापित किया गया था। संगठित दिमाग, सूचना अधिभार के युग में सीधे सोचने से हमें पता चलता है कि हम अपने समय को बेहतर ढंग से कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अधिक कुशल हो सके, बल्कि इसलिए कि हम मनोरंजन के लिए, खेल के लिए, सार्थक रिश्तों के लिए और रचनात्मकता के लिए अधिक समय निकाल सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मुझे किताबें पढ़ना और जो बातें मैंने उन किताबों से सीखी उनको दूसरों को बताना पसंद है। तो अगर आपको भी बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।